आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात समाज सेवी तीशराज देशवाल जी, जो सहायता करते हैं बच्चों की और हर साल एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है, कौन बनेगा जीनियस। और अभी कुछ दिन बाद जो है स्वतंत्रता दिवस है, तो इसको किस तरह से मनाना चाहिए और हमारा सोसाइटी के प्रति किस तरह का योगदान होना चाहिए, इसी विषय पर हमारे साथ मौजूद हैं तीशराज देशवाल जी, जो अपने गांव पैतृक गांव खेड़ी दमकन में स्वतंत्रता दिवस कुछ अलग अंदाज में बना रहे हैं, उसी अंदाज पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। जो स्वतंत्रता दिवस अब की बार मनाया जाएगा, 72वां स्वतंत्रता दिवस, आप क्या विशेष कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग आज ये सुख की सांस, आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और ये आज़ादी की सांस हम लोगों ने को मिली उन लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद, जिन्होंने फांसी पे चढ़ गए या चढ़ा दिए गए या गोली मार दी गई या उन्होंने खुद को गोली मार दी। कुछ स्ट्रेटेजी जरूर बनी होगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कुछ लोगों ने स्ट्रेटेजी भी बनाई होगी। अभी हम क्या करने वाले हैं इस आज़ादी, क्या करने वाले? हम लोग आज़ादी का असली मतलब समझाना चाहते हैं लोगों कि हमें जो आज़ादी है उसका असली मतलब क्या है। हम आज़ाद हैं, आज हम आज़ाद होकर आराम से जी रहे हैं और हम लोगों का अपना खुद का सारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा अपना खुद का सिस्टम है, हमारी खुद की चुनी हुई सरकारें, हम सरकारें चुनते हैं, स्टेट की भी सेंटर की भी, हम खुद के हमारे छोटे छोटे वो कॉरपोरेशंस हैं, हमारे छोटे विधान मंडलियाँ हैं, खुद के हमारे पंचायतें हैं, सरपंच हैं हमारे, तो हम लोगों बस सारी चीज़ें खुद की हो गई हैं। लेकिन हमें जो आज़ादी मिली है उसका हम लोग मेन महत्व हम लोग खोते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि हमें झंडा फहरा देना है और हम लोग आज़ाद हैं, बस ये सेलिब्रेट कर लेना है। लेकिन उसको झंडा फहरा देने के बाद भी हमारा कर्तव्य उस दिन से शुरू हो गया था, 15 अगस्त 1947 से, कि कैसे हमें अपना देश बनाना है, कैसे हमें अपना भविष्य बनाना है, कैसे हमारे बच्चों के लिए काम करना है, कैसे हमें अपने गांव के लिए काम करना है, कैसे हम लोग खुद को सबको लगना है। सरकारें अपना काम करेंगी, स्टेट की गवर्नमेंट, सेंट्रल की गवर्नमेंट, सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन कुछ काम हमें भी खुद करना है। क्रिटिसाइज नहीं करना है, कमियां नहीं निकालनी है। सुबह से शाम तक देता हूँ क्रिटिसाइज करने वालों की लाइन लगी हुई है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने खुद क्या किया, आप कितने सक्षम हो उसके हिसाब से आपने क्या जिम्मेवारी निभाई, क्या आपने अपने बच्चों के लिए कुछ किया जो आपके खुद के बच्चे हैं, क्या आपने उसको अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छा रास्ता दिखाया जीने के लिए। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर कोई फोकस करे कि हम आज अच्छे बच्चे बनाएंगे और एक अच्छा समाज बनाएंगे, जिससे हमारे बच्चों को एक अच्छा समाज मिले, अच्छा जो हम लोग प्रदेश बनाए, अच्छा देश बनाए। तो सर बेसिकली हम ये चीज सोच के चले कि सोसाइटी में हर कोई अगर अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित कर ले, बिल्कुल, तो शायद हमें ना तो क्रिटिसाइज करने की जरूरत पड़े और ना ही सोसाइटी में कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स पैदा हो या सामाजिक कुरीतियां, शायद सब चीजें नहीं, 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 सिर्फ हमारी भागीदारी से सुनिश्चित, हमारी खुद की भागीदारी। अगर हम लोग अपने बच्चों को भी करना काम, मैं कई जगह देखता हूँ, मतलब मैं अपने इंडिविजुअल अपने नाम से बात करता हूँ, बहुत सारी जगह ऐसे नोट करता हूँ, लेडीज के बारे में पर्दा डालने की का सिस्टम, जो हमारे टीनेजर्स है ना, कोई गलती कर देगा तो दूसरा उसके ऊपर पर्दा डालेगा, भाई हम लोग उसको छुपो ले, उसने ऐसा नहीं करा जी, वो तो बहुत बढ़िया है, लिपा पोती करने का काम होता है, भैया बहुत बढ़िया है, आपने ऐसा करके क्या करा उसके लिए, गलत रास्ता करने के लिए एक लाइन और बना दी, भाई तू ठीक है कर रहा है, जैसे करता रहा मैं तेरे पर पर्दा डाल ले जाऊंगा या जाले जाऊंगी, कैसे हम उसको अच्छा बनाएंगे, कैसे फिर उससे हमारा अच्छा समाज बनेगा, कैसे हम लोग एक अच्छा रास्ता बना पाएंगे। सर आज जैसे आज़ादी का अभी हम सेलिब्रेट करेंगे, कहीं ना कहीं एक जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो कहीं ना कहीं खुद को आज़ाद पता नहीं आज महसूस कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि रोज़ कहीं रेप हो रहा है, कहीं दूसरी घटनाएं हैं, ऐसा क्या मैसेज उनके लिए कुछ? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि निडर बनना पड़ेगा और डर अपने मन से निकाल के फेंकना पड़ेगा। हम लोग डर के रहेंगे तो हमें लोग डराते रहेंगे, हम दबके रहेंगे तो लोग हमें दबाते रहेंगे, हमें डरना छोड़ना है और दबना छोड़ना है और अपने आप में लीडर बनना है और स्ट्रांग समझना है कि मैं भी उतनी ही स्ट्रांग हूँ जितना ये सामने वाला लड़का स्ट्रांग है, ये मेरे से मजबूत नहीं है, मैं इससे ज़्यादा मजबूत हूँ।
तो एक सबसे पहली बात तो ये लानी पड़ेगी। दूसरा ये मैं ये चाहता हूँ, ये मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने बच्चों को, जो बेटे हैं ना बेटों, उनके भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। कि आप ये दिमाग में बात बिठा लो कि बाहर जाते हो तो आपके भी कोई बहन के बारे में ऐसा गलत सोच सकता है, या आपकी भी माँ के बारे में कोई ऐसा गलत सोच सकता है। तो ये सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सब लोगों को ये एक अच्छा समाज बनाने के लिए, एक अच्छी समानता लाने के लिए, क्योंकि महिला और पुरुष तो एक हमारी गाड़ी है, उसके दो पहिए हैं। ये हम लोग इसी के ऊपर, इसी फोकस के ऊपर लगे रहते हैं कि कैसे हम लोग करें, क्या चीजें करें। मैं काफी सारे स्टेट्स में जाता हूँ, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टेट में, गुजरात में जाता हूँ, मेरे को दिखता है वहां पे महिलाएं लीड करती हैं, महिला आगे चलेंगी, पीछे पुरुष पीछे चलेगा। और इंस्ट्रक्शन रहती है हर पुरुष को, भी संडे को तेरे को घुमा के लाना, खाना खिला के लाना, बाहर ये करना वो करना है। तो वो नहीं डरता हमें अपनी महिलाओं में यहाँ पे चाहिए। सर आप देश में भी घूमते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, और शायद इंडिया तो तकरीबन पूरा घूम चुके हैं आप, तो क्या, और आप आके जब भी एक सोसाइटी को जो एक मैसेज देने की बात होती है या कोई भी काम करने की बात होती है तो आप अपने गांव से ही शुरुआत करते हैं क्या? मेरी जन्मभूमि है, वहाँ मैं पैदा हूँ, उस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन ली है, और आखिर में भी जब लास्ट में लिखा जाता है ना वहाँ पे गढ़गंगा पे या हरिद्वार में जाके जब अस्थियाँ बहाई जाती है वहाँ पे भी लिखते हैं पंडित जी कि जन्म शैली क्या है, इसके फादर कौन थे, दादा कौन थे, परदादा कौन थे, उसके बड़े और कौन थे। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, कई जगह ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है, गाँव में से कोई बड़ा आदमी बन गया, कोई ऑफिसर बन गया, कोई बड़ी पोस्ट पे चला गया, बड़ा बिजनेसमैन बन गया, डॉक्टर बन गया, कोई उसने बड़ा सेटअप क्रिएट कर लिया, गांव छोटा लगने लगता है। क्यों भाई, मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के लोग छोटे, ठीक है भोले भाले हैं, समझ नहीं है, वो अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने सोचते हैं, लेकिन तुम लोग तो बड़े हो गए हो, तुम लोग तो अपना बड़प्पन दिखाओ, तुम लोग तो अपने जाके अपने गाँव को संभालो। हर गाँव से एक एक व्यक्ति जरूर गया होगा, मैं वैसा मानता हूँ, जो अच्छी पोजीशन पे होगा और वो गांव में जागरूकता ला सकता है अगर वो कोशिश करे तो। सर काफी टाइम हो गया आपको गांव में, कितने साल हो गए होंगे आते आते? मैं तो शुरू से बचपन से आ रहा हूं गांव में। नहीं, जब एक लगा कि हम अब सोसाइटी को, जैसे पहले तो आपने खुद को बिल्ड किया, उसके बाद ये लगा कि हाँ अब हमारा भी फर्ज बनता है अपने गांव को, अपने शहर को, अपने क्षेत्र को कुछ दें, उस कॉन्ट्रीब्यूशन को करते हैं। मैं 12 साल से लगा हूँ, 12 साल से, और अभी मैं 50 साल की एज में पहुंच गया हूँ, मतलब मैं 38 साल की उम्र में था जब मैं लग गया था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भी जो ये मत सोचो कि मैं जब बुजुर्ग हो जाऊंगा या 60 साल का हो जाऊंगा रिटायरमेंट तब मैं कुछ करूंगा, तब करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचेगा आपके पास। अगर आपको ज्यादा करना है तो अभी से लगना पड़ेगा, युवा अवस्था से ही लगना पड़ेगा। जब आपने शुरू किया था तब कुछ और माहौल था, आज कुछ और माहौल है, आप क्या समझते कितना चेंज आया है? क्या आपके जो एफर्ट्स हैं उन्होंने कहीं काम किया? बिल्कुल काम किया, मैं तो कई जगह ऐसा लगता हूँ, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जब शुरू किया था बहुत छोटे लेवल से, मैंने अपने गांव से और साथ में हमारा एक गांव न्यास, दो गांव से शुरू किया, और ये धीरे धीरे अभी 750 गांव में हमारा मूवमेंट चला गया, हर बच्चा बन सकता है जीनियस जो हम लोग एग्जाम लेते हैं। सर सोनीपत रोहतक सारा एरिया, बहुत सारी जगह एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। कई दिन पहले चंडीगढ़ में मिला हमारे दोस्त प्रभाकर जी, वो मुझे मिले, बोला भाई साहब मेरे बेटे ने ना उस साल में पंखा जीता था छत वाला। मैंने कहा आप? बोला आप डॉक्टर बन गया है। क्या बात है, डॉक्टरी कर रहा है, शायद आप भी जानते होंगे उनको। बिल्कुल, पूछ लेना उनसे। बिल्कुल सर, तो कभी कोई ऐसा भी आके मिला आपको कि सर यू आर द इग्नाइटर जिसने मेरी जिंदगी में एक रोशनी बनने का काम किया? बहुत सारे लोग मिलते हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। तब कैसा महसूस हुआ आपको? मैं तो कुछ किया और मुझे आज उसका फल मिल गया। वो तो मिलता ही है ना, आपके बारे में जब आप आओगे जी, आपने मेरे को मोटिवेट किया था और अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, आपने मेरे को जब ये बताया था अब मैं आज यहाँ पहुँच गया हूँ, आपने जब मुझे एक भाई का फ़ोन आया, रोहित जांगड़ा, कई बार फ़ोन करता है, बोला अंकल जी मेरी टेबल पे ना 2 कंप्यूटर हैं और 2 लैपटॉप हैं। मैंने कहा कहाँ से? बोला 2 कंप्यूटर मेरे भाई ने जीते थे, 2 लैपटॉप मैंने जीते हैं। मैंने कहा तू अभी क्या कर रहा है? बोला जी मैं अभी कॉलेज में हूँ, रोहतक में पढ़ने जाता हूँ। मैं कहा तेरा भाई?
बोला एयरफोर्स में इंजीनियरिंग में। क्या बात है सर, तो यही एक मैसेज होता है सर सोसाइटी को कि चेंज चेंज को ये एक दिन में नहीं आ जाता, शायद उसके लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है जब जाके चेंज आता है। और इस आज़ादी आप फिर से गांव में आप बना रहे हैं, जो अपना तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज है उसको कैसे लहराएंगे और किस तरह का मैसेज उस दिन के लिए देंगे कि गाँव में ना रह कर, कोई कहीं भी है, विदेश में है, कहीं भी है, अगर वो कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित है तो किस तरह से उस आज़ादी को बनाए। मैंने अपने गांव के हर घर पे एक झंडा तिरंगा भिजवा दिया है। मतलब किसी के पास हो सकता है व्यवस्था ना हो तिरंगा झंडा खरीदने की, लेकिन हर किसी को अपने घर पे तिरंगा झंडा लहराना है। आप जाके 15 अगस्त को मेरे गांव में शूट करेंगे, आपको हर घर पे तिरंगा नजर आएगा। और उस तिरंगे से आदमी के अंदर अपने आप फीलिंग लगती है कि भाई ये मेरा राष्ट्रीय ध्वज है, ये मेरा वो है। तो यही चीजें सोच के हम लोगों ने ये हमारा एक प्रोग्राम रखा है, आजादी ये जश्न। तो इसमें शहीदानु सत सत नमन जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई, 7,32,000 से लोग जो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में हैं इन्होंने अपनी जान दे दी इसके लिए, और अनऑफिशियली तो पता नहीं कितने। कुछ लोगों ने अच्छी स्ट्रेटेजी भी बनाई देश को आजाद करने के लिए, सबको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन जिन्होंने अपनी जान दे दी, सोच लीजिए कि उसकी उम्र 22 साल की रही होगी, 18 साल की रही होगी, 21 साल की रही होगी, उसने अपने आप को फांसी पे लटकवा लिया, या उसने जो अपने आप को गोली मार ली, या उसने अपने आप को आगे कर दिया। सर कभी कोई कविता या गाना लिखने का आपको शौक हुआ? नहीं, कभी नहीं। तो कोई ऐसा वाक्य जो आप शहीदों को नमन करने के लिए, अगर शहीदों को मैं अपनी दिल की हृदय की गहराइयों से जिन्होंने हमारे लिए ये सुख की सांस दी उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में जब तक मेरे ब्लड में मेरे बॉडी में ब्लड है मैं कभी भी उनको जो है हल्का नहीं होने दूँगा, कभी भी उनको छोटा नहीं होने दूँगा। ये थे हमारे साथ सतीश राज देशवाल जी, जो प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, एक समाज के सामने एक ऐसा शीशा बनकर खड़े हैं जो सोसाइटी को सिर्फ देने का काम करते हैं। आज इन्होंने बहुत कुछ दिया है, पता नहीं कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी कंप्यूटर लैपटॉप देखा नहीं था, लेकिन जीनियस बनो जो इनकी प्रतियोगिता होती है हर बार उसमें लैपटॉप जीता है, साइकिल जीती है, बहुत सारे ऐसे पुरस्कार जीते हैं जो आज वो अपने घर में हैं। और कई बार तो ऐसा वाक्य होता है कि जब वो मिलते हैं और कहते हैं कि सर आपकी वजह से मेरी उस काम की शुरुआत हुई थी। ये सबसे बड़ी आजादी है कि आर्थिक आजादी है जिससे आप उनको आजाद कर रहे हैं, आप उनको रोजगार दे रहे हैं, आप उनको एक कमाने का जरिया दे रहे हैं, एक जीने की जो है वो जील उनको उनके अंदर पैदा कर रहे हैं। यही है असली आजादी का जश्न। और खेड़ी दमकन में जो है इस बार फिर ऐसी ही आजादी कुछ मनाई जा रही है, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, बहुत आकर्षण होंगे, और सबसे बड़ी बात तो पूरे गांव में जो है राष्ट्रीय ध्वज हर घर की छत पर होगा, जिसे देख अपने आप में एक हौसला बनेगा, आप भी इस आजादी में शरीक हो सकते हैं। गांव खेड़ी दमकन में पहुंचकर अगर नहीं पहुंच सकते आप अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराइए, वीडियोस हमें भेजिए, हम आपको शेयर करेंगे, हम आपसे जोड़ेंगे। सतीश राज देशवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम चाहेंगे कि इस आजादी में आप वो जोश युवाओं में भरने का काम करें जो शायद इंडिया गेट पर जाकर ना भर पाया हो, लेकिन एक गांव से इसको जरूर इग्नाइट करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार।